सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। और कबूल तो होता है कि जो मिला है उसको भी मिलता है। रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान के बारे में जितनी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ये मार्गदर्शन के लिए, अंग्रेजी में कहा जाता है कि नॉलेज और ट्रू गाइडेंस दोनों एक ही चीज होती है, क्योंकि जहां ट्रू गाइडेंस होगा वही नॉलेज मिलेगा। तो ट्रू गाइडेंस इज लाइक ए स्मॉल लैंप इन अ डार्क फॉरेस्ट, इट डज नॉट शो यू द होल पाथ एट वंस बट इट डज गिव यू एनफ लाइट फॉर योर नेक्स्ट स्टेप टू बी सेफ। अंधकार रूपी जंगल में जो ट्रू गाइडेंस हमारे भोजन में दे रहे हैं वो जो प्रकाश है वो लैंप की तरह, वो लैंप ये है कि पूरे जंगल में जो अंधकार है उसको एक ही बार में रोशनी नहीं देगा, लेकिन आपको इतनी रोशनी देगा कि आपका अगला पग डगमगाएगा। यही ट्रू गाइडेंस है, ट्रू नॉलेज जो दिया जा रहा है। क्या नहीं, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। पीटी उषा का आपने याद किया होगा, जब उनकी दौड़ देखा होगा सेकंड के 100वें हिस्से से तीसरा स्थान पाने से चूक गए, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जो लोग असफल होते हैं, क्योंकि असफलता से हमको कुछ सीख मिलती है और किसी को ना भी मिले, लेकिन जिनको नहीं मिलती है उनके लिए ये नहीं है कि दुनिया के सारे रास्ते बंद हैं, बहुत सारे रास्ते खुले हैं। यहां मैं यही कहूंगा कि आप लोग दो तीन चीजें आप गांठ बांध दी, एक जो असफलता आपको मिली, यहां पर कितने लोग हैं मेधावी छात्र हैं सफल हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस क्षेत्र में आप करें हर जगह सफलता मिले। सफलता अगर नहीं मिलती तो हरिवंश राय बच्चन की वो कविता याद रखिए कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ज्ञान किसी क्षेत्र का किसी वर्ग का वो मोहताज नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में किसी एक पर्टिकुलर परिवार में ज्ञान मिलता है। प्रकृति ने जितनी भी चीजें की है सबके लिए खुली रखी। बारिश अगर होती है तो सब जगह समान होती है कि किसी के घर में बरस जाए आंगन में बरस जाए किसी के हमें ऐसा नहीं करती। इसी तरह से ज्ञान है, ज्ञान है समान रूप से, केवल नॉलेज ही नहीं, आप भी कहते हैं ना कंप्लीट मैन, संपूर्ण व्यक्ति जो होता है ना बहुआयामी व्यक्ति तो कमाल। हमको जो है अगर हमारा ज्ञान है तो ज्ञान के साथ हमारा आचरण आओ व्यवहार। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।